बिना संबंध बनाए 49 बच्चों का पिता बना ये डॉक्टर डोनेट स्पर्म का करता था इस्तेमाल। नीदरलैंड में एक डॉक्टर के बारे में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जब से IVF तकनीक का इजाद हुआ है, निसंतान दंपतियों को भी संतान सुख प्राप्त होने लगा है। लेकिन यहाँ एक डॉक्टर ने दान किए शुक्राणुओं स्पर्म को अपने शुक्राणुओं में बदल देता था। और तो और ये डॉक्टर IVF तकनीक से करीब 49 बच्चों का पिता बन चुका है। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा बीते शुक्रवार को कराई गई DNA जांच में हुआ। यह जांच डच कोर्ट के आदेश पर एक सामाजिक संगठन द्वारा निजबेगन शहर में कराई गई। यह संगठन इस क्लिनिक में पैदा हुए बच्चों और उनके माता पिता का नेतृत्व करता है। हालांकि डॉक्टर जनवरी करबात की 2017 में मौत हो गई है और मौत से पहले डॉक्टर ने मानना था कि वे 60 बच्चों का पिता बन चुके हैं। उसका क्लिनिक भी अनियमितताओं और अन्य गैर कानूनी काम करने के चलते 2009 में ही बंद कर दिया गया। यह पूरा मामला इसी साल फरवरी में डच कोर्ट द्वारा संज्ञान में लाने के बाद सामने आया। कोर्ट ने अभिभावकों को बच्चों के DNA से डॉक्टर करबात के DNA टेस्ट से मिलान करने की इजाजत दी थी। अपनी मौत से पहले डॉक्टर करबात 89 ने एक विवादित बयान भी दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि वो 60 से ज्यादा बच्चों का पिता बन चुका है। एक स्थानीय न्यूज पेपर के मुताबिक डॉक्टर ने यह भी कबूल किया था कि उसने कई बार डोनेट स्पर्म में अपना स्पर्म भी मिलाया था।